शांति। आज का प्रातः क्लास है 26 अक्टूबर 1964 सोमवार। रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला न देना। कौन सा बचपन है? है ईश्वरीय ज्ञान में आने का बचपन कौन सा होता है? है जब बेसिक में आए तब तो पता चला बिंदी है आत्मा। अब आत्मा बिंदी में बचपन बूढ़ापन तो होता ही नहीं, तो बेसिक को बचपन कहें? बचपन किसको कहें? है जब बाप को पहचाना, बाप के बच्चे बने। मैं आत्मा ज्योति बिंदु ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे या बच्चा क्या हूँ? सूर्यवंशी हूँ। क्या हूँ? सूर्यवंशी हूँ। चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी में कन्वर्ट होने वाली नहीं हूँ। तो बच्चों ने ये मीठा मीठा गीत सुना। इस गीत में मीठी बात क्या आई है? मीठी बात ये आई कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हैं। बेहद का बाप और बच्चे भी बेहद के बच्चे हैं। बेहद के कैसे? और जो आत्मा रूपी बच्चे हैं 500-700 करोड़, उन्होंने तो हद के जन्म लिए, पूरे 84 जन्म नहीं लिए। और हमने पूरे बेहद के 84 जन्म लिए। तो बेहद के बाप अर्थात परम पिता परमात्मा बच्चों के प्रति समझाई रहे हैं। क्या चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशियों को नहीं समझाई रहे हैं? कौन से बच्चों को समझाई रहे हैं? बच्चों को समझाई रहे हैं। उसको ही कहा जाता है श्री श्री, यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। कौन है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप? लौकिक बाप तो श्रेष्ठ कहेंगे ही नहीं। भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा किया, अच्छा। और धर्म पिताओं के बाप, उनको भी श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। वो तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, देवता बनते ही नहीं। वो श्रेष्ठ हैं क्या? है क्यों नहीं? वो क्यों नहीं श्रेष्ठ हैं? नहीं, क्योंकि वो भी भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करते रहे, कराते रहे, सिखाते रहे। श्रेष्ठ हैं देवताएं। और हम देवताओं का भी बाप कौन हुआ है? देवदेव, महादेव। और उनका भी बाप शिव बाप, वो सबसे श्रेष्ठ है। उससे ऊंचा कोई बाप होता ही नहीं। फिर भी कहेंगे कि श्री श्री दो दफा है ना,
श्रेष्ठ अर्थात देवताएं और उन देवताओं से भी श्रेष्ठ, देवताओं से श्रेष्ठ महादेव कहें तो भी शिव है, सिर्फ शिव ज्योति बिंदु कहें तो श्रेष्ठ है। और निष्कष्ट का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्यों है? क्योंकि परम धाम में बिंदु बिंदु आत्माएं, वहां श्रेष्ठ और निष्कष्ट कोई होते ही नहीं, सब श्रेष्ठ आत्माएं ही होती है। शिव भगवान वाच या रुद्र भगवान वाच, या क्यों लगा दिया है? उवाच करेगा तो साकार में करेगा या निराकार ज्योति बिंदु करेगा? तो शिव भगवान वाच, और यज्ञ के आदि में ही रौद्र रूप धारण कर लिया, विनाश वाला यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, कब? आदि में ही। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो रुद्र बाप है तो रुद्रगण बच्चे हैं। रुद्र भगवान वाच, तो रुद्र साकार में हुआ या निराकार हुआ? रुद्र तो परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, शिव भी परमपिता परमात्मा को कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चे आत्माओं को समझा रहे हैं। किसको समझा रहे? आत्माओं को समझा रहे हैं। 500 करोड़ आत्माएं नहीं है क्या? हाँ, वो पक्की पक्की आत्माएं बनती ही नहीं। और धर्मों में जो कन्वर्ट होते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी को छोड़कर, वो पूरा देवान छोड़ते हैं, आत्मिक स्थिति में पूरा रहते हैं, रहते ही नहीं। देवान छोड़ते नहीं तो देह रूपी मिट्टी में ही दबाए दिए जाते हैं। और तुम बच्चे तो है पूरा ही देवान छोड़ करके आत्मा बन जाते हो। तो आत्मा रूपी बच्चों को समझाए रहे हैं। यहाँ कोई साधु संत महात्मा क्या कहा, कोई सुने और कहे कोई साधु यहाँ आया होगा, संत आया होगा, महात्मा आया होगा, ऐसा कोई साधु संत महात्मा या कोई मनुष्य नहीं कहेंगे। क्या कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं, ये कौन समझाएगा है? आत्माओं को समझाने वाला, आत्माओं के अंदरूनी बात को जानने वाला, आत्माओं के अनेक जन्मों के पार्ट को समझाने वाला तो सिर्फ परमपिता परमात्मा ही हो सकता है, कोई मनुष्य नहीं कहेंगे कि हम आत्मा है तेरा परमपिता परमात्मा माना। तुमको परमात्मा मुख कमल से समझा रहा हूं। देखो गौ मुख में जाते हैं ना, अभी गौ मुख से ज्ञान कैसे निकलेगा है?
मुख से ज्ञान निकलेगा? अरे गाय के मुख से ज्ञान निकलेगा, क्यों? गौमुख तो बना हुआ है, गंगोत्री से ऊपर चढ़ करके जाते हैं, गौमुख बना हुआ है यादगार। पहले पहले ज्ञान की गंगा तो वहां से बहती है, वही ज्ञान जल है गंगोत्री में आके गंगा कहा जाता है। तो गौमुख से जब यादगार बनी हुई है तो ज्ञान नहीं निकला क्या? नहीं, पानी मना वो भक्ति मार्ग का पानी समझते हैं, भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातें ही समझते हैं। हम समझते हैं कि स्थूल ज्ञान की बात नहीं है, शरीर को साफ करने वाले पानी की बात नहीं है, आत्मा को साफ करने वाले ज्ञान जल की बात है। लेकिन वो ज्ञान जल भी गौ से कैसे निकलेगा? ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला गौ का है, बैल है वो तो है, कन्या से निकलेगा? माना बाबा का कहना है गौ तो जानवर होती है, ज्ञान सुनाने वाला मनुष्य होना चाहिए या जानवर होना चाहिए? है कौन सुनाएगा ज्ञान? मनुष्य सुनाएगा। तो भगवान ज्ञान सुनाएगा तो गौ के तन में आकर सुनाएगा, गौ के मुख से ज्ञान देगा या मनुष्य के तन से ज्ञान देगा या बैल के तन से ज्ञान देगा? मनुष्य के तन से ज्ञान देगा। तो पूछा अभी गौमुख से ज्ञान कैसे निकले? वो बाप है ज्ञान का सागर, इसमें गौमुख से पानी की तो बात ही नहीं है। बाप है तो गौ कोई बाप होती है क्या? होती है, गौ को माता कहते हैं। चलो जानवर का मुख दिखाई दिया है तो भी तो माता तो कहते हैं ना, तो गौमुख से पानी की तो बात ही नहीं। ऐसे पक्का निश्चय करो, कराओ कि बाप हम आत्माओं को बैठ करके पढ़ाते हैं क्या? क्या न गंगा मैया पढ़ाती है न गऊ के मुख से ज्ञान निकलता है न सरस्वती, कोई देवी नहीं, पढ़ाने वाला बाप है। और बैठ करके पढ़ाते हैं, बैठ करके पढ़ाते हैं मैंने है? खड़े होके भागते हुए नहीं पढ़ाते है? क्या मतलब? मैंने किसी तन में बैठ करके प्रवेश करके पढ़ाते हैं, क्योंकि यूं भी अज्ञान काल में आत्मा ही सब संस्कार लाती है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा धंधा करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा, क्योंकि आत्मा है अविनाशी। अविनाशी आत्मा संस्कार लेकर के आती है, अगला जन्म लेगी तो भी संस्कार लेकर के जाएगी। तो आत्मा चैतन्य है यह जड़ है, शरीर नहीं है, शरीर में संस्कार नहीं रहते हैं, संस्कार आत्मा में रहते हैं। शरीर तो विनाशी है, आत्मा खुद कहती है कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेता हूं, भिन्न नाम रूप भिन्न देश काल, यानी सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूं तो नाम रूप फिर जाते हैं, फिर वही स्वर्ग में पुनर्जन्म लेता हूं। तो ये इसकी आत्मा कहती है, वह बाप समझाते हैं कि हे बच्चे
स्वर्ग में हो तो तुम पुनर्जन्म स्वर्ग में लेते हो। क्या कहा है? अभी कहाँ हो? अभी कहाँ हो है? अभी नरक में है या स्वर्ग में? अभी संगम में, तो संगम में ही जन्म लेंगे। संगम में देवताएं होते हैं, हैं? देवताएं तो नहीं होते, देवताएं तो सतयुग में होंगे। अब स्वर्ग में होंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे, स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे स्वर्ग में जाएंगे, नरक में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जाएंगे। अब स्वर्ग कहाँ से आए हैं? हैं, मन बुद्धि के संस्कार ऐसे हो जाएं, वो संस्कार का वाइब्रेशन ऐसा तीव्र बने, उस संस्कार के बाहर हमारी मन बुद्धि जाए ही नहीं। मन बुद्धि दुख की दुनिया में जाए ही नहीं, ऐसी प्रैक्टिस करें। तो बाबा बहुत अच्छी रहते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं, क्योंकि कोई कोई नए भी हैं, कोई कोई यहाँ मिले भी आकर के है ना, नए बच्चों को ये तो पता है कि भगवान आज शिवरात्रि है, शिव बाबा आया हुआ, कब की वाणी है? 64 की वाणी है। बाबा कहते शिव बाबा आया हुआ है, तो क्या 64 में शिव बाबा आया हुआ था है? नहीं आया हुआ था, आया हुआ था लेकिन टेम्पररी रथ में आया हुआ था या मुकर्रर रथ में आया हुआ था? टेम्पररी रथ में आया हुआ था, तो आया हुआ है लेकिन शिव बाबा जो आया हुआ है वो निराकार है या साकार है? है? अच्छा 64 में, बहुत सुंदर। अम्मा निराकारी होती है कि साकारी होती है? तो कोई बोल रहा है निराकार, निराकार था या साकार था? साकार तन में था लेकिन था तो निराकार ही, और तन, तन साकार था। वो निराकारी आज स्टेज धारण करता था, स्टेज तो धारण नहीं करता था, है तो निराकार। तो ये इस रथ में आते हैं और समझा रहे हैं कि बच्चे तुम अभी हमारे बच्चे बने हो, अभी तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है कि हम अभी बेहद के बाप से इस ब्रह्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, तो उनको शरीर चाहिए। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा पार्ट बजाता हूं। आज कोई कारपेंटर का पार्ट बजाते हैं, कोई बैरिस्टर का पार्ट बजाते हैं, ये कौन पार्ट बजाता है ब्रह्मा के अंदर? कहेंगे आत्मा, क्योंकि आत्मा को पार्ट तो बजाना है ना, नंगा आना है और शरीर धारण करना है,
यानी गर्भ में जाने है। तो शिव बाप गर्भ में आते हैं क्या? फिर गर्भ की बात क्यों कही है? गर्भ की बात इसलिए कही, ये वेद का गर्भ है, ज्ञान गर्भ है। तो गर्भ जैसे लौकिक दुनिया में भी गर्भ में आत्मा बाद में आती है, यह पहले बीज पड़ता है, हैं? पहले बीज पड़ता है, यही तो गीता में बोला है। क्या हम बीज प्रदा पिता मध्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। ये परम ब्रह्म, ब्रह्म नहीं, कौन? परम ब्रह्म है, मेरी योनि रूपा माता है, इसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूँ। परंतु वो बीज है जो डालता हूँ वो चैतन्य होता है या जड़ होता है? उसमें चैतन्य आत्मा बाद में प्रवेश करती है, जब वो बीज भ्रूण बन करके परिपक्व मूर्ति तैयार हो जाती है तो बाद में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। जैसे मंदिर में पहले मूर्ति रखी जाती है के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, हैं? पहले मूर्ति आती है। तो तुम अभी हमारे बच्चे बने हो, अभी तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है, जानते हो कि नंगे आना है, शरीर धारण करना है, गर्भ में आना है। बाप कहते हैं मैं गर्भ में थोड़े ही आता हूँ, मैं कौन से गर्भ में नहीं आता हूँ, हैं? मैं गर्भ में आता हूँ या तुम बच्चों को ज्ञान गर्भ धारण कराता हूँ, हैं? बाप नहीं आते? बाप गर्भ धारण कराने वाला है या गर्भ में आने वाला है? ज्ञान गर्भ में आने वाला है तो धारण कराने वाला है। मैं ऐसे ही थोड़ा ही कहूंगा कि परमपिता परमात्मा एक शरीर छोड़ता हूँ और दूसरा लेता हूँ, नहीं, मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो और ये लेता है, कौन? ब्रह्मा। मैं एक शरीर छोड़ दूसरा नहीं लेता हूँ, नहीं लेता है। ब्रह्मा का शरीर छोड़ करके प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर नहीं लेता है, हा? तो क्यों कह दिया, हा? नहीं, यहाँ बोला है मैं परम पिता, कौन? मैं परम पिता, परम माता नहीं, परम कहो ब्रह्म कहो, ब्रह्मा, ब्रह्मा माना बड़ी से बड़ी माँ, और परम पिता माने बड़े से बड़ा बाप। तो यहां बात किसकी हो रही है? परम पिता की बात हो रही है। तो मैं परम पिता ऐसे थोड़ा ही कहूंगा कि मैं एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेता हूं, क्यों? क्यों नहीं कहेगा? अरे मुरली में बोला नहीं है,
जो शरीर भी धारण करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा, हाँ अम्मा नाम रखूंगा, पिता नाम नहीं रखूंगा। पिता नाम क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि अगर औरों औरों में भी प्रवेश करता रहे तो सर्वव्यापी हुआ, और मैं सर्वव्यापी तो हूं ही नहीं, मैं तो एक व्यापी हूं, एक व्यापी हूं। अगर एक व्यापी हूं तो भक्ति मार्ग में ये गायन क्यों चला आ रहा है, आत्मा सुपरमात्मा? हाँ, ये थोड़ा ही का आत्माए सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा माने कोई एक आत्मा है जिसमें परमपिता शिव प्रवेश करते हैं तो वो परमात्मा कहा जाता है। आत्माओं के बीच में जो आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, गर्भ धारण करने वाली हैं, उन आत्माओं के बीच में वो एक आत्मा है। जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी है, हीरो एक होगा या अनेक होंगे, एक ही होगा। तो इनके लिए कहते हैं कि ये लेता है पुनर्जन्म। किनके लिए है? चाहे परम ब्रह्म हो चाहे ब्रह्मा हो, इनके लिए कहते हैं कि ये पुनर्जन्म लेते हैं। मैं नहीं लेता हूं। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरा किया। किसने? अरे इसे कहते हैं तो किस तरफ इशारा करते? ब्रह्मा की तरफ। जिसके बाजू में बैठे हैं तो कहेंगे इस आत्मा ने 84 जन्म पूरा किया। पूरा किया कि चल रहा है? कब? अरे अरे पूरा किया तो कोई टाइम होगा कि नहीं पूरा किया? अरे इस आत्मा ने 84 जन्म कब पूरा किया? 76 में पूरा किया है। 76 में उसका शरीर था है? 84वां जन्म का शरीर था ही नहीं तो कब किया? हाँ 69 18 जनवरी को इन्होंने 84 जन्म पूरा किया। ये आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी। क्या कहा? कौन आत्मा? ब्रह्मा वाली आत्मा 18 जनवरी 1969 को जब शरीर छोड़ा, 84 जन्म पूरा करती भी है तो भी अपने 84 जन्मों को नहीं जानती। अब इस आत्मा ने जाना है कि मैं 84 जन्म लेती हूं। अभी आत्मा के लिए बात करते हैं। आत्मा ही कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, पुनर्जन्म लेते आया, फिर चंद्रवंशी घराने में पुनर्जन्म लेते आया। बरोबर आत्मा कहती है हम पुनर्जन्म लेते लेते पहले सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में आए। हमने द्वापर कलयुग में बाप को बहुत याद किया। ओ परमपिता परमात्मा, बातों परमपिता परमात्मा की यहाँ पत्थर के लिंग की पूजा भी की। कहाँ पूजा की? द्वापर, द्वापर कलयुग में पूजा की। मैं आत्मा सतयुग में तो मालिक हूं। कौन बोल रहा है? हैं? ब्रह्मा की सोल बोले मैं आत्मा
सतयुग में तो मालिक हूं, किसका मालिक है? अरे मालिक हूं तो किसी का मालिक हूं ना, है? हाँ, सतयुग का मालिक हूं। त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में आए। अभी भी पूजा नहीं की, क्योंकि वहां स्वर्ग है। पूजा स्वर्ग में, वहां भक्ति तो होती नहीं है। भक्ति की फिर आधा कल्प। अभी बाप आया हुआ है, हम उनकी गोद में शरणागत गए हैं। तो तुम सभी अभी बाप की गोद में आ गए। 26/10/64 की वाणी का दूसरा पेज। कौन से बाप की गोद में है? कौन से बाप की गोद में आ गए तो गलत फहमी हो जाए, है? बताओ, बीके वाले क्या कहेंगे? हैं? हैं अभी? अरे बाबा ने तो कहा संगमयुग में बाप की गोद में खेलते हो, सतयुग में देवताओं की गोद में खेलेंगे। तो अभी संगमयुग खत्म हो गया क्या, वो ऐसा समझते हैं? हाँ, कौन से बाप की गोद में आ गए वो कहेंगे? वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे निराकार। अब निराकार की गोद होती भी है? है? होती नहीं। तो पूछा कौन से बाप की गोद में, तुम कहेंगे साकार द्वारा निराकार बाप की गोद में आए हैं। वो कहेंगे, हैं? वो कहेंगे आए थे। वो भी झूठ कहेंगे कि सच्चा? क्यों? हैं? क्यों? तो अम्मा का पार्ट था, वो बाप का पार्ट तो था ही नहीं। तो बाप कहते हैं, हे बच्चे, ये ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसे क्यों कहते हैं? हैं? ये बात क्यों याद दिलाते हैं? अरे कोई बच्चे कहते हैं, बाबा ये तो बहुत मुश्किल है। क्या हम भूल ना जाएं? बाबा कहते हैं भूल नहीं जाना, याद दिलाते हैं। बाबा पूछते मुश्किल क्या है? तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं आया हूं तुम सभी बच्चों को पति से पावन बनाने। हैं? आया किस लिए हूं? ना आया होता तो पति से पावन नहीं बना सकता था। हैं? क्यों? संघ के रंग से पतित बने तो संघ के रंग से ही पावन बनेंगे। किसके संग के रंग से पतित बने? हैं? अनेकों के संग के रंग से पतित बने। वो अनेक पतित थे या पावन थे? अनेक पतित थे। और शिव बाप आए हुए हैं, एवर प्योर। भगवान तो एवर प्योर होता है, तो एवर प्योर के संग के रंग में आने से हम क्या बनेंगे? पावन बनेंगे। लेकिन युक्ति है, क्या युक्ति बताई? नहीं, बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए हो,
ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? सिर्फ बाबा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? अगर शिव बाबा याद है तो तुम पति से पावन बनेंगे, और सिर्फ साकार बाबा याद है तो फिर पति से पतिति बने रहेंगे। तो उसमें भी तुम पति से पावन बनने की पढ़ाई पढ़ती हो क्या? ये भी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है या नहीं? पढ़ती हो। किस लिए पढ़ती हो? स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए। अच्छा, कोई कहे हमें स्वर्ग में जाना है, हमें स्वर्ग की राजाई नहीं लेनी है, तो क्या हम स्वर्ग में जाके पति से पावन नहीं बनेंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो फिर क्या अंतर हुआ? तुम पढ़ते हो, पति से पावन बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, तब तुम राजा ही प्राप्त करते हो। और वो कौन सी आत्माएं हैं जो पति से पावन बनने की पढ़ाई पढ़ती नहीं, उनकी समझ में ही नहीं आता है? वो कौन सी आत्माएं? बीके वाली आत्माएं तुम्हारी सूर्यवंशी घराने में नहीं होंगी? सूर्यवंशी घराने में सब राज घराने में होंगे, प्रजा घराने में नहीं होंगे? अब प्रजा नहीं होगी तो राजा का ही काम का है? वो आत्माएं जो प्रजा वर्ग में जाती है वो पति से पावन बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ती है। मैं तुम आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूं। क्या कहा? जो प्रजा बनने वाली आत्माएं हैं उनको राजयोग नहीं सिखाता हूं। किनको सिखाता हूं? हैं? तुम आत्माओं को। तुम माने जो मेरे सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ती हो? तुम सभी आत्माएं कान से सुनती हो, धारण करती हो। किस में धारण करती हो? आत्मा में धारण करती हो, कान द्वारा सुनती हो। ये ज्ञान के संस्कार हैं, और ये ज्ञान के संस्कार मुझे परमपिता परमात्मा में भी हैं। क्या है? क्या ज्ञान के संस्कार? अरे अरे अभी अभी तो बताया है, पति से पावन बनने के संस्कार, पति से पावन बनने की पढ़ाई, ये तुम बच्चों में भी है ज्ञान के संस्कार, और मुझ परमपिता परमात्मा में भी है। मैं भी जानता हूं कि ये कौन से संस्कार होते हैं, इसलिए मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। क्या? सिर्फ इस्लाम धर्म का बीज नहीं, बौद्ध धर्म का बीज नहीं, ढेर सारे धर्मों का बीज नहीं, बल्कि है सारी सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, अनेक अनेक धर्मों के, मैं सबका बीज रूप हूं। तो सबके संस्कार किस में होंगे? है एक बाप ही होगा जिसमें सब धर्म वालों के संस्कार समाये हुए हैं, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो ये किसकी महिमा है? है कि सारी सृष्टि का बीज ऐसे हो सकता है कि नीम का बीज हो और उसके वृक्ष की एक डाली में आम निकल पड़े?
दूसरी डाली में बेर निकल पड़े, ऐसे हो सकता है? नहीं। जो बीज होगा, बीज में जो संस्कार होंगे, वही टहनियों में, बीज में, फलों में, फूलों में भी होंगे। तो उनकी महिमा ये है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो वो आकर के कहते हैं कि बरोबार मैं सभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप यानी रचयिता हूं। क्या? मैं सबका रचयिता हूं। गीता में क्या बोला इसके लिए है? नहीं, वो तो बोला हाँ, मैं सब प्रकार से श्रेष्ठ हूँ। नागों में मैं ये हूँ, वृक्षों में मैं ये हूँ, बोला है ना। देवताओं में मैं ये हूँ, मना हर प्रकार से श्रेष्ठ बताया है। बीज मने बाप, बाप तो श्रेष्ठ ही। तो बरोबार मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप अर्थात रचयिता हूँ। मैं परम धाम में रहता हूँ। परम धाम माने है परे ते परे धाम। परे ते परे का क्या मतलब है? जहाँ औरों की बुद्धि की पहुंच नहीं होती है, मैं बुद्धि योग से वहां का निवासी हूं। अभी यहां आता हूं, कहां इस मनुष्य सृष्टि में, और आता हूं एक बार। शास्त्रों में तो क्या कह दिया है, है? सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए किस रूप में आया? नरसिंह अवतार लेके आया। त्रेता में राम के रूप में आया। द्वापर में कृष्ण के रूप में आया, ऐसे कहते हैं ना। तो मैं अनेक बार नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ एक बार आता हूँ। तो गीता तो पहला ग्रंथ है सत्व प्रधान, उसमें क्यों लिखा है संभवामी योगे योगे है? हाँ, वो लोग जो लिखा है उस समय की बात है जब मैं आता हूँ संगम युग में। जब आता हूँ तो चारों युगों रूपी जो सृष्टि के चार सीन है उनकी शूटिंग कराता हूँ। तो शूटिंग की बात को उन्होंने गीता में लिखा हुआ है संभवामी युगे युगे। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि हर 1250 वर्ष के युग में आता हूँ, नहीं। मुझे एक बार आकर के पढ़ाना होता है, पतित सृष्टि को पावन करना होता है। तो पतित सृष्टि सतयुग में तो होती नहीं, त्रेता में तो होती नहीं, द्वापर में भी इतनी पतित नहीं होती। कब होती है? कलयुग के अंत में इतनी पतित हो जाती है। अभी देखो, पतित पावन को याद करते हैं ना, पतित याद करेंगे ना, सतयुग में पावन तो नहीं याद करेंगे। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे हम सभी आत्माएं जो अभी पवित्र हैं, पावन हैं, उनको पतित बनाओ। ऐसे कोई उल्टी पकार तो नहीं करते हैं। जब पतित हैं तो मुझे परमपिता परमात्मा को पावन करने के लिए बहुत बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। क्या कहा है? बहुत कब बुलाते हैं हैं? कब बुलाते हैं बहुत? संगम युग में बहुत पतित हो गए हैं?
कहते 36 से बाप आया हुआ है, 70-80 साल हो गए, अब 70-80 साल में हम बहुत पतित हो गए, ऐसे ये क्या बोल दिया है, ऐसे कहे। अरे अरे ये गलत कहा या सही कहा है, ये कहता गलत, ये कहता सही, ये तो झगड़ा होने लगा है। अच्छा सब तो नहीं उल्टे कर्म करते होंगे, कोई फर्स्ट क्लास पास विद आनर पास में होने वाले भी तो होंगे। हाँ तो वो पतित नहीं बनते संगम में है। अरे बोलो, अरे जो भी ज्ञान में आते हैं पहले सतो प्रधान होते हैं, बाद में सतो सामान्य रजो और तमो पाठ बजाते हैं या नहीं बजाते हैं, अनुभव क्या कहता है, बजाते हैं। तो माता ने गलत कहा सही कहा है, अरे गलत कहा है सही कहा। संगम में ही जब शूटिंग होती है तो चारों युगों की शूटिंग होगी या सिर्फ सतयुग की शूटिंग होती रहेगी, चारों युगों की शूटिंग होती है। और चारों युगों की शूटिंग में जो भी नई नई आत्माएं आती हैं ज्ञान में, वो सब सतयुग की सतो प्रधान सूर्यवंशी ही आती है या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भी आती रहती है, है? और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भी आते रहते हैं, कोई इस्लामी भी आते हैं, बौद्धी भी आते हैं, कोई सन्यासी सन्यासियों के हेड भी आ जाते हैं कनेक्शन में, आते हैं कि नहीं आते तो हैं। तो उनके संग के रंग से पतित बनेंगे कि पावन बनेंगे, पतित बनेंगे है। वो ज्ञान सुनाते हैं या क्या सुनाते हैं है, जरूर अज्ञान सुनाते हैं। जिनकी वाचा में अज्ञान भरा हुआ हो तो दृष्टि में भी अज्ञान भरा होगा या नहीं होगा, और वाइब्रेशन में भी अज्ञान भरा होगा, तो उस वाइब्रेशन के संग से, दृष्टि के संग से, वाचा के संग से पतित बनेंगे या पावन बनेंगे, पतित ही बनेंगे। तो मुझे बहुत बुलाते हैं, कब बुलाते हैं है? जब पतित होते हैं तो मुझे बहुत बुलाते हैं। तो अभी बहुत बुलाते हैं या थोड़ा बुलाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं बुलाने में है, अभी बहुत बुलाते हैं, भूलते नहीं बिल्कुल बुलाते समय है। अरे अभी भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं, अभी भूलते हैं यानी बहुत नहीं बुलाते हैं, बहुत पतित नहीं बने, अभी भी टाइम पड़ा है। कैसे कहें, क्या प्रूफ? अरे इस बात का क्या प्रूफ कि अभी भी टाइम पड़ा हुआ है बहुत पतित बनने में, अल्लाह है। कोई कहेंगे हम तो सुबह से शाम तक बुलाते ही रहते हैं। अरे बाबा की मुरली में क्या प्रूफ है, पतित से पावन बनने में 40 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को, तो 40 वर्ष अभी पूरे हो गए क्या है? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो, जन्म लेने का वर्ष तो कब था? 76 था, और उसमें भी संपूर्णता वर्ष 77, 77 के बाद कहते हैं 78। तो अभी टाइम पड़ा है या नहीं पड़ा है? ये तो पड़ा है, अभी और लोड़े खाएं कि नहीं खाएं? बहुत बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, परंतु उनको मालूम तो नहीं है कि मैं कब आता हूं, नहीं मालूम है उनको, मालूम नहीं है। तुमको तो मालूम होगा, क्या कहा है, जो बुलाते हैं उनको तो मालूम नहीं है, और तुमको, तुमको तो मालूम है।
कि मैं कब आता हूँ, मैं आता ही हूँ संगम पर, तो 100% संगम कब होगा है? 100% संगम कब होगा? जब बाप का संपूर्ण प्रत्यक्षता हो। संपूर्ण प्रत्यक्षता किसे कहेंगे? अरे कोई इसकी पहचान है क्या? जो देखे आंखों से, जो देखे, अरे हाँ यही बाप हो सकता, और कोई बाप नहीं हो सकता। यही हमारा बेहद का बाप आया हुआ, आंखों से देखा और उन्हें अंदर से तलखियत होने लगे, महसूस होने लगे। और ये देहधारी गुरु कोई शिवो हम कहने वाले भगवान नहीं है, यही असली बाप है। और जो कानों से सुने, कानों से कुछ सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या गूंगा होके आता है, है? कुछ तो सुनाएगा, जो भी सुनाएगा, दो शब्द भी सुनाएगा, वो दो शब्द सुन करके भी उनको एहसास हो जाएगा कि यही हमारा बाप है। तो मैं आता ही हूँ संगम पर, और कोई युग पर मैं नीचे कोई भी शरीर में बिल्कुल आता ही नहीं। क्या कहा है? और कोई युग में नहीं आता हूं है? अरे सत्य की शूटिंग में नहीं आया था? अरे आया था कि नहीं आया था? बाप, यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ तो बाप की बात हो रही है। आया था तो माँ बन के आया, और त्रेता युग की शूटिंग में है? त्रेता युग की शूटिंग में आया था? अरे 76 में आया कि नहीं आया था? पक्का पक्का कहो, आया था कि नहीं आया था? है ये शब्द यहाँ नहीं आया, संपूर्ण प्रत्यक्षता करने के लिए आता हूँ संगम पर। यहाँ तो शब्द पकड़ो, एक एक शब्द का गहरा अर्थ है बाप का। जैसे कवि लोग होते हैं ना, कवियों के एक एक शब्द में लंबे लंबे विद्वान अर्थ निकालते हैं। जो एमए बीए में पढ़ाने वाले प्राचार्य होते हैं, वो बड़े गहरे गहरे, तुलसीदास के दोहे, कबीरदास जी के दोहे, कवित सूरदास के, उनके एक एक लाइन, एक एक शब्द के बहुत गहरे गहरे अर्थ समझाते हैं। एक ही शब्द में पूरा घंटा चला जाता है। तो भगवान भी सबसे बड़ा कवि है या नहीं है? हैं? हाँ, कवियों में बड़े से बड़ा कवि कौन सा बताया गीता में? हाँ पुराणम कवि, तो वो तो पुराना कवि हो गया, लेकिन नाम क्या है? अरे कवि नाम उषना कवि, सबसे पुराना कवि मैं हूँ। मीठे मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है। किस लिए गोद ली है? बाबा हमको फिर से वही प्राचीन प्राचीन राजयोग जो सिखलाया था, जिससे हम देवी देवता बने थे, या भारत हीरे जैसा बना था। कैसे बना था है? वही प्राचीन राजयोग जिससे भारत हीरे जैसा बना था, भारत पावन देवी देवता बना था, जो अभी नहीं है, अभी पतित है, वही हम आपके बच्चे बन गए।
किस लिए गोद लिए? अरे हम बच्चों ने बाप की गोद किस लिए ली है? पति से पावन बनने के लिए, जिसको कहा जाता है निराकारी ईश्वर की गोद। निराकारी ईश्वर की गोद, बिंदी बिंदी की गोद लेगी क्या? अरे ब्रह्मा कुमारी तो तालियां बजाएंगे, देखो बाबा ने बोला कि नहीं, क्या बोला है? निराकारी, निराकारी ईश्वर की गोद। और निराकारी ईश्वर कैसा होता है? और जो निराकारी ईश्वर होगा वो ईश्वरत्व अर्थात शासन करता होगा। निराकार शासन करता है, हैं? वो तो निराकार तो शासन नहीं करता, ऐसे तो नहीं बिंदी फुदक फुदक के शासन करेगी। कैसे शासन करता है? ईश्वर क्यों कहा गया? नहीं, ईश्वर इसलिए कहा कि वो ऐसा प्यार का शासन करता है जिसमें 500-700 करोड़ सब मनुष्य आत्माएं उसके शासन में बड़े प्यार से आ जाती है, और सब पुलिस के जोर से मिलिट्री की जोर से शासन चलाते हैं, और भगवान, भगवान तो प्यार का सागर है, लेकिन वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। निराकारी का मतलब, अरे निराकारी स्टेज वाला, गोद निराकारी की कहां से आवे? कहां से आवे? अरे बताओ, परम नाम से आवे? परम नाम से बिंदी आएगी कि गोद आएगी? गोद साकार शरीर की होती है या बिंदी की होती है? गोद निराकार की कहां से आवे? बच्चे कैसे बने? निराकार बाबा कहते हैं। अरे अगर निराकार का अर्थ सिर्फ बिंदी ही लगाया जाए तो कहते कैसे? फिर तो मुसलमान ठीक ही कहते हैं, अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। उनसे पूछा जाता है कहां से फरमाया? कि अल्लाह मियां अर्श में रहता है, वहां से फरमाया। तो क्या ऊपर से आवाज आती है? हा? फरमाया तो कोई शरीर से फरमाया होगा ना। तो कहते हैं निराकार, कहते हैं मैं इस तन में आता हूं। ये जैसे कि तुम्हारी बड़ी मम्मा है, क्या कहा? कौन तुम्हारी बड़ी मम्मा? कौन है? है ब्रह्मा। तो छोटी मम्मा भी होगी, कौन? अरे बड़ी मम्मा याद रह गई, छोटी मम्मा भूल गई। अरे छत मुरली कब की है? हाँ, जो ओम राधे मम्मा सरस्वती थी वो छोटी मम्मा है ना, ब्रह्मा बड़ी मम्मा है। तो छोटी मम्मा छोटी माँ में प्रवेश करती है, बड़ी माँ बड़ी माँ में प्रवेश करती है। वो जो मम्मा सरस्वती है जिसको जगदम्बा कहा जाता है, वो इनकी बेटी है। किनकी? ब्रह्मा की। वो कह के दूर क्यों कर दिया? 64 की वाणी है, आने वाली पार्टी। अच्छा, जब ब्रह्मा शरीर छोड़ देते हैं तब उनकी बेटी बनती है। हा? इनकी बेटी है, इनकी माने किनकी? इनकी प्रजापिता के लिए कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा की बेटी है, है माने उस समय वर्तमान में थी, 64 में या नहीं थी?
तो वो क्यों कहा? वो इनकी बेटी है। अरे वो कह के दूर क्यों कर दिया? फिर है क्यों कहा? आने वाली जगदम्बा इनकी बेटी है, छोटी मम्मी जगदम्बा छोटी मम्मी बनेगी। वो तो बात ही गलत हो गई। छोटी मम्मी कौन? हाँ, जो लक्ष्मी में प्रवेश करती है वो छोटी मम्मी सरस्वती। तो है क्यों कहा और वो कह के दूर क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि मम्मा को उस समय कैंसर की बीमारी थी, गले का कैंसर, और वो बंबई में गई हुई थी। इसलिए क्या कहा? वो माने वहां मौजूद थी या दूर थी? दूर थी। तो ये मम्मा नहीं बन सकती है। कौन संभालने के लिए? ये नहीं बन सकती। कौन है? ब्रह्मा बाबा। मम्मा नहीं बन सकती पालना करने के लिए, संभाल करने के लिए। ये मम्मा नहीं बन सकती। इसलिए कहते हैं कि उनको मुकर्रर किया हुआ है, किनको है? छोटी मम्मा ओम राधे सरस्वती को, उसको ही जगदम्बा कहा जाता है। क्या कहा है? उसको ही जगदम्बा कहा जाता है। माना छोटी मम्मी जगदम्बा या बड़ी मम्मी जगदम्बा? बड़ी मम्मी जगदम्बा। अच्छा, सारा जगत तो पहले आता है कि भारत पहले आता है? तो भारत माता पहले या जगदम्बा पहले? तो जगदम्बा की भी अम्मा कौन हुई? भारत माता हुई। उसको ही जगदम्बा कहा जाता है और उनका चित्र अलग है। इसके शरीर को जगदम्बा नहीं कहेंगे। इनके शरीर को, ब्रह्मा के शरीर को जगदम्बा नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? कारण? क्योंकि दाढ़ी मूछ वाला है। कोई कहे ये हमारी अम्मा है, ये क्या तुम्हारी दाढ़ी मूछ वाली अम्मा होती गई? क्योंकि वो बाबा भी है तो फिर मम्मा भी है, क्योंकि इन द्वारा तुमको गोद में लेते हैं, इसलिए मम्मा है। तुमको इस समय में जरूर याद करना है कि हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं। वास्तव में है ये माता। कौन है वास्तव में? कौन माता है? ब्रह्मा बाबा वास्तव में माता है और नकली में? वास्तव माने सच्चाई, और अवास्तविक रूप में क्या है? बाबा है कि नहीं? क्यों कहते हैं बाबा? फिर बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है ये माता, परंतु माता से कोई वर्षा नहीं मिलता है। कोई वर्षा नहीं मिलता? क्यों? ज्ञान की मुरलियां नहीं मिली? अरे ज्ञान मिला कि नहीं मिला मुरलियों का? हैं? मिला? समाधान नहीं मिला। हाँ, ज्ञान तो मिला मुरलियों का। जैसे आज की दुनिया में कहते हैं ब्रह्मा मुख से वेद वाणी मिली। वेद बहुत ऊंची है चीज है। वेदों का ज्ञान बड़े बड़े पंडितों को नहीं है। वेदवाणी
ब्रह्म वाक्य है, बहुत मान लेते हैं वेदों का, लेकिन क्या कोई समझता है? कोई विद्वान पंडित आचार्य हैं जो वेदों को एक्सप्लेन करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। और करें भी तो कोई समझने वाला है ही नहीं, तो कोई वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा फिर भी बाप से मिलता है, है? कौन सा बाप से? बेहद के बाप से मिलता है। बेहद का बाप हमारा भगवान है। भगवान से क्या वर्षा मिलता है? लड्डू पेड़ा मलाई मिलता है, मकान मिलता है, कपड़ा मिलता है, दुकान मिलता है, कारखाना मिलता है, क्या मिलता है? भगवान तो है ही ज्ञान का सागर। ज्ञान माने जानकारी, काय की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके पास सच्चाई हो, इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। तो देखो कितनी गुही और युक्त युक्त बातें हैं। ओम शांति।